हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द क्वेस्ट फॉर एल डोराडो। यहाँ पे क्वेस्ट का मतलब है खोजना, और ये कहानी शुरू होती है एक शहर से जिसका नाम है एल डोराडो। दोस्तों, ये जो सिटी है ये अपने वेल्थ और रिचनेस के लिए बहुत फेमस था, और इसको मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड भी बोला गया है। और ये जो सिटी है वो साउथ अमेरिका में कहीं पे है, जिसको किसी ने कभी ना देखा है ना कभी कोई वहाँ पे गया है। बस सब लोगों ने सुना है इस सिटी के बारे में, जो कि ये माना जाता है कि बहुत रिच है। और ये भी सुना जाता है कि ये जो शहर है इसका हर एक चीज़ या तो सोने से बना है या तो चांदी से बना है। इनफैक्ट इस शहर का रास्ता, मंदिर, घर, ये सब भी सोने से बना था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो शहर है ये एक इमेजिनरी शहर है और इसका कोई रियलिटी नहीं है। और दोस्तों, ये सिटी इतना रिच था, जैसे हम लोग फ्यूल को ऐसे ढेर करके रखते हैं, वहाँ पे गोल्ड बार्स को वैसे लकड़ी की तरह ढेर करके रखा जाता है। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो सिटी कितना रिच था। 1530 से 1650 के बीच में बहुत सारे यूरोपियंस, थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियंस एल डोराडो सिटी को ढूंढने के लिए साउथ अमेरिका के जंगल, वैलीज, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब खोज रहे थे, क्योंकि उन लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता था कि ये सिटी कहाँ पे है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि लोगों ने इसके बारे में सुना था, कभी किसी ने ये सिटी को देखा नहीं था। और लोग इस सिटी को इसीलिए ढूंढ रहे थे कि उनको इस सिटी का एक झलक देखने को मिल जाए, और ऑब्वियसली उनको वहाँ से पैसे भी चाहिए थे। और ये जो लोग इस सिटी को ढूंढ रहे थे, इनका जर्नी स्टार्ट हुआ था स्पेनिश कोस्ट नाम के एक टाउन से। पहले जब एक इंसान ने इस सिटी के बारे में सुना तो वो इस सिटी को सर्च करने के लिए निकल पड़ा, और उसे देखकर कुछ और लोग भी उसे फॉलो करने लगे और इस खोज में लग पड़े। और धीरे धीरे ऐसे करते करते उन लोगों का एक ग्रुप बन गया, और एक ग्रुप में लगभग 100 से लेकर 700 तक यूरोपियंस रहते थे, और उसमें ज़्यादातर स्पेनियर्स थे। स्पेनियर्स का मतलब है अ नेटिव और इनहेबिटेंट ऑफ स्पेन। और ये लोग जो जर्नी के लिए निकले थे, ये लोग अपने साथ आर्मर्स, वेपन्स और हॉर्सेस लेके निकले थे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि रास्ते में कितने डिफ़िकल्टीज आने वाले हैं। और ये लोग अपने साथ कुछ एनिमल्स को भी लेके गए थे, ताकि जब भी उनका खाना ख़त्म हो जाए ये उनको मार के अपना खाना बना सके। और ये लोग अपने साथ कुछ फाइटिंग डॉग्स को भी लेके आते थे, ताकि जब भी नेटिव लोग या फिर कुछ एनिमीज उन पर अटैक करें, वो लोग डॉग्स को उन पर छोड़ दें। और जब लोग एल डोराडो को ढूंढने आते थे, कभी कभी कुछ महीने और कभी कभी कुछ साल भी उनको जंगलों में बिताना पड़ता था। एल डोराडो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूरोपियंस क्या करते थे, कभी कभी वो लोग नेटिव लोगों को गिफ्ट्स दिया करते थे, और तभी भी अगर वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ना दें तो उनको टॉर्चर करते थे। और इनके टॉर्चर से बचने के लिए द नेटिव्स गाइड द ट्रूप्स इन रॉन्ग डायरेक्शन। अब चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। मीनवाइल ग्रुप्स के मेंबर धीरे धीरे कम होने लगे बिकॉज ऑफ इलनेस, और कुछ लोग ग्रुप को बिना बताए छोड़ के चले गए, और कुछ लोग एनिमीज के अटैक से मर गए। और इन सब के बावजूद भी जो थोड़े बहुत लोग बच गए थे उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जांपल, जंगलों में कीड़े मकोड़ों के काटने की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता था, नेटिव लोग इनके साथ फ्रेंडली नहीं थे, कभी कभी फ्लड का सामना करना पड़ता था, कभी कभी वोल्केनो का, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, और तो कभी कभी उनके लीडर्स भी मर जाते थे। ऐसे करके अगर ग्रुप का लीडर ही मर जाएगा तो ग्रुप को गाइड करने के लिए कोई बचेगा नहीं, इसीलिए वो सब लोग एट लास्ट हार मान गए और उस एक्सपेडिशन को आधा छोड़ के घर लौट आए। सो लाइक दैट, ये जो एल डोराडो के लिए क्वेस्ट था ये कम्प्लीट नहीं हो पाया। पर इसके बाद क्या होता है, एक आदमी है जिसका नाम है एंटोनियो डी बैरियो। ये बहुत ही ब्रेव और बोल्ड आदमी था, ये एल डोराडो के खोज में निकल पड़ा विथ 700 हॉर्समैन। बट वो जो रास्ता था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही टायरी था, और वो जो नेटिव लोग थे वो भी बहुत ही अनफ्रेंडली थे। और धीरे धीरे ऐसे करके बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे घोड़े भी मर जाते हैं, और इसमें से बाकी जो लोग बच जाते हैं वो लोग घर वापस जाने के लिए तरस जाते हैं। और इन सब के चलते एंटोनियो को ये एक्सपेडिशन यहाँ पर रोकना पड़ा। पर एंटोनियो घर नहीं लौटा,
वो वहाँ पे ट्रिनिडेड नाम के एक आइलैंड पे एज अ गवर्नर सेटल हो गया। तो दोस्तों ये था स्टोरी का पहला पार्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इसके बाकी के स्टोरीज कवर करेंगे। ये स्टोरी आज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।